फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्या सर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो कि रेशियो वगैरह में बनते हैं और परसेंटेज का व्यूज उसमें होता है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुछ इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें इनकम भी बढ़ रहा था, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा था और सेविंग भी बढ़ या घट रहा था, तो उसको हमने सॉल्व करने का तरीका बताया था, अप्रोच बताया था, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे उस तरह के। तो हम लोग इनकम से रिलेटेड कुछ और तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको टाइप टू में हमने रखा है, और टाइप टू से हम लोग चीजों को और स्टडी करेंगे। जब तक इनकम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम यही वाले क्वेश्चन करते रहेंगे, जिससे आपको एक बेसिक अप्रोच मिले, आपकी चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाए, आप दो क्वेश्चन में डिफरेंस जान पाए। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग तीन क्वेश्चन करेंगे और तीन ही क्वेश्चन से इस तरह के सारे क्वेश्चन का अप्रोच आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आय कुल मिलाकर कितना भाई 40,000 रुपए है। ए अपनी आय का 85% और बी अपनी आय का 95% खर्च करता है, और दोनों का बचत क्या है, समान है। दोनों का बचत क्या है, समान है। तो ए का आय बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है, छोटे लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको करते हैं, है ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि दोनों का सेविंग सेम है, किसी तरह दोनों की सेविंग निकाली जाए और उसको सेम कर लिया जाए तो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा। तो क्या करेंगे, दोनों की सेविंग निकालेंगे। अच्छा, दोनों की सेविंग कब पता चल पाएगी दोस्त, अगर कोई भी हो, अगर उनका इनकम और एक्सपेंडिचर पता है, आय और खर्च पता है, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे कितना बचा रहा है। या आय और बचत पता, मतलब तीन चीजों में से कोई दो चीज पता हो तो हम लोग तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं कैसे निकलेगा। कह रहा है कि ए अपनी आय का 85% खर्च करता है, तो हम इसका इनकम और एक्सपेंडिचर जानने की कोशिश करेंगे, अभी अपने आप ही सेविंग निकल आएगा। तो मान लो कि जो इनकम ऑफ ए है, इनकम ऑफ जो ए है वो मान लो ए रुपया इनकम ऑफ ए है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा भाई, इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा ए गुड़े 85/100 रुपया, क्योंकि भाई अपने का 85% खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी दोस्त, इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, बचत कितना हो जाएगा, जब भाई अपने मान लो इसका आय ए है, ए का 85% अगर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना भाई, ए का 15% बचाएगा, क्योंकि भाई अगर मान लो 100 रुपया उसका इनकम रहा होगा तो 100 में से 85 रुपया खर्च कर दिया तो 100 में से कितना बचाएगा, 15 रुपया बचाएगा। तो भाई ए का 15% यानी ए गुणे 15/100 रुपया वो बचाएगा। ऐसे ही सेविंग ऑफ बी निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई, सेविंग ऑफ बी। ऐसे मान लो कि बी का भी इनकम 20 रुपया है, तो बी का खर्चा कितना हो जाएगा दोस्त, बी का खर्चा 95% हो जाएगा, तो बी का 95% बी का खर्चा हो गया दोस्त, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, बी का 5% हो जाएगा कि नहीं भाई। इसी तरह तो किए जैसे ये वाला किए थे कि ए अपने आय का 85% खर्च कर रहा है तो अपनी आय का 15% बचाएगा, तो बी अपनी आय का 95% खर्च कर रहा है तो बी अपनी आय का 5% बचाएगा। यानी कि पहले का सेविंग ए हो गया और दूसरे वाले का सेविंग ए हो गया, और दोनों को हमने कहा कि इक्वल है, क्वेश्चन में दिया भी है, तो हम कह सकते हैं ए गुणे 15/100 इक्वल टू बी इंटू 5/100। यहां से 100 से 100 कट गया और a बाई बी निकाल ले, हम b को इधर ले आए, a बाई बी कितना हो गया 5/15, यहां से कट कर दो, यहां से कितना हो गया भाई 1/3 हो गया, हुआ कि नहीं भाई, क्लियर है बात, 1/3 हुआ कि नहीं a बाई बी। यानी कि a अगर 1 रुपया कमाएगा तो b कितना कमाएगा भाई, 3 रुपया कमाएगा, क्योंकि a का इनकम हमने a रुपया माना था और b का इनकम कितना माना था, 20 रुपया। तो a अगर 1 रुपया कमाएगा तो b 3 रुपया कमाएगा, दोनों लोग मिलके कितना कमा रहे हैं दोस्त, दोनों लोग मिलके कितना कमा रहे हैं, 4 रुपया कमा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे 4 की वैल्यू कितना, क्वेश्चन में कितना दिया 40,000, तो हमारे 4 की वैल्यू कितना दिया दोस्त 40,000, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। तो यानी कि ए 1 यूनिट कमा रहा है, यानी 1 की वैल्यू 10,000 रुपया, यानी इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा 10,000 रुपया, इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा 10,000 रुपया हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आई होगी, कैसे किया गया सारी चीजें समझ में आई होगी,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही होगी, पूरी प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है कि नहीं ये बात? क्या हमने किया, मान लो इनकम ऑफ ए रुपया है और बी का इनकम भी रुपया है, तो अपने इनकम का जो 85% खर्च करेगा तो ए का 85% खर्च करेगा तो ए का 15% बचाएगा, और बी का 95% खर्च करेगा तो बी का 5% बचाएगा, और दोनों बचत जो उनका था सेम था, हमने सेम किया, ए और बी मिल गया। ए और बी था क्या, ए और बी उनके इनकम का रेशियो था, तो एक और तीन आ गया, मतलब एक रुपया अगर एक कमा रहा तो तीन एक कमाएगा, दोनों मिलकर 4 यूनिट कमा रहे थे, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया था, 40,000, क्योंकि भाई दोनों मिलकर 40,000 ही तो कमा रहे थे, यानी हमारे 4 की वैल्यू 40,000, हमारे 1 की वैल्यू 10,000, तो हमारे 1 की वैल्यू 10,000, तो यही हमें इनकम ऑफ ए निकालना था। क्लियर है कि नहीं बात? बात समझ में आई कि नहीं आई प्रॉपर तरीके से? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई इसमें। क्लियर ना है बात? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9, मतलब ए बी और सी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है कितना है भाई, 16:12:9, मतलब ए बी और सी अपने आय का मतलब अपनी आय का कुछ भी खर्च कर रहे होंगे, लेकिन उनके एक्सपेंडिचर जो खर्च का रेशियो है 16:12:9, अगर ये 16 रुपया ए खर्च करेगा तो बी 12 खर्च करेगा, तो सी कितना खर्च करेगा, 9 खर्च करेगा। कह रहा है कि इफ देयर सेविंग इज 20%, 25% and 40% रिस्पेक्टिवली, मतलब जो सेविंग है वो सेविंग कितना है भाई, 20%, 25% and 40% रिस्पेक्टिवली, मतलब ए अपने इनकम का 20% सेव कर रहा है, बी अपने इनकम का 25% सेव कर रहा है, सी अपने इनकम का कितना सेव कर रहा है भाई, 40% सेव कर रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बात भाई? अच्छा, कह रहा है कि इफ देयर इनकम इज 1530 रुपीज, मतलब इनकम जो है ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 1530 रुपया है, मतलब जो इनकम का जो सम है, आय का जो इनके सम है, आय का योगफल है 1530 रुपया, तो हमें पूछा है उनका अलग अलग इनकम बताओ या जो भी पूछा है। तो यहां से क्या करेंगे, हमें एक चीज दिया है, कह रहा है तीनों मिलकर 1530 रुपया कमाते हैं और उनके खर्च का अनुपात इतना है और उनके बचत का प्रतिशत इतना है, है ना, बचत का प्रतिशत इतना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें यहां से इनके खर्च का रेशियो दिया है तो यहां से परसेंटेज में हम खर्च निकाल सकते हैं कि नहीं भाई? अगर हमें बचत का परसेंट पता है तो खर्च का परसेंट पता करने में कोई दिक्कत होगी नहीं? जैसे पिछले क्वेश्चन में था 85% खर्च कर रहा था तो 15% बचा रहा था, अगर वही दिया होता 15% बचा रहा है तो 85% खर्च कर रहा है, बात सही होती कि नहीं? क्लियर है बात हुई कि नहीं? अच्छा अब यहां से हम क्या करेंगे, इनकम ऑफ ए को ए ले लेते हैं, इनकम ऑफ बी को बी ले लेते हैं, इनकम ऑफ सी को सी ले लेते हैं। अच्छा अगर ए का इनकम ए रुपया होगा, ए का इनकम अगर ए रुपया होगा तो ए अपने आय का 20% सेव करेगा, तो खर्च कितना करेगा भाई, 80% खर्च करेगा भाई, करेगा कि नहीं भाई? ए अपनी आय का 80% खर्च करेगा कि नहीं? जब 20% बचाएगा तो 80% खर्च करेगा, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितना दिया है, 16 यूनिट दिया, कह रहा है खर्च का अनुपात इसका 16:12:9 है, तो एक का जो खर्च है उसको 16 यूनिट के बराबर कर दिया। यहां से 16 से कटा 5 और 5 से कटा 20, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 20 आ गई, मतलब ए के इनकम का रेशियो कितना हो गया भाई, सॉरी ए का इनकम कितना हो गया, 20 यूनिट, हुआ कि नहीं भाई? अच्छा यहां से हम क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, तो बी अपने इनकम का 25% सेव कर रहा है तो खर्च कितना करेगा, 75%, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितना दिया, 12 दिया है कि नहीं भाई? अपने इनकम का 75% खर्च कर रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है 12 खर्च कर रहा है, तो 12 बराबर कर लिया तो कितना हो जाएगा, 25 से 3 कटा और 25 से 4 कटा, 3 से 4 कटा, बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी की वैल्यू अपनी आ गई 16। क्लियर हुआ है बात, कोई डाउट इस बात में नहीं? अच्छा यहां से सी के बारे में चर्चा करेंगे, तो सी 40% सेव कर रहा था तो खर्च कितना करेगा भाई, 60% खर्च करेगा, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 9 दिया है, तो 0 से 0 कटा, 3 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 5 कटा, सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सी की वैल्यू आ गई 15। यानी कि ए और बी और सी का इनकम आ गया, मतलब ए अगर 20 रुपया कमाएगा, 16 कमाएगा, तो सी कितना कमाएगा, 15 कमाएगा। तो हम कह सकते हैं इनकम का जो रेशियो है ए और बी और सी के, आय का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 20 रेशियो 16:15,
मतलब 20:16:15 क्या है, ए बी और सी के आय का अनुपात है। तो हम कह सकते हैं तीनों मिलाकर 1530 कमाते हैं, और यहां से तीनों मिलाकर कितना कमा रहे हैं भाई, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 51। तीनों मिलकर यहां से 51 यूनिट कमा रहे हैं कि नहीं दोस्त। यहां से हम कह सकते हैं 51 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 यूनिट की वैल्यू 1530 हो जाएगी, क्योंकि तीनों मिलकर 1530 कमा रहे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कितनी बार में कट जाएगा, तीन बार में कट जाएगा, एक की वैल्यू 30। तो हमें ए का इनकम अगर निकालना हो तो ए कितना हो जाएगा भाई, 600 हो जाएगा। बी का इनकम निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, 480 हो जाएगा। और सी का इनकम निकालना है तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 1680 और 450 हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्लियर हुआ कि नहीं ये बात, इस बात में किसी को कोई डाउट तो पूछ लो भाई। समझ में आ गई कि नहीं आई भाई, भाई बात, चलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, यहां से हमने क्या किया था भाई, तीनों का इनकम दिया था। अगर तीनों के इनकम का रेशियो निकल जाता तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, और रेशियो निकालने के लिए हमने क्लू क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था तो हमें सेविंग पता थी, सेविंग का परसेंटेज पता था, तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकाला, क्योंकि भाई सेविंग और एक्सपेंडिचर एक दूसरे से 100 में से घटा ले तो मिल जाते हैं। तो हमने यही चीज किया, और यहां से ए बी और सी की वैल्यू आई, और वहां से पुट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वैसे ही है, कह रहा है टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी 6060 रुपीज। ए बी और सी का टोटल जो इनकम है 6060 रुपए है। कह रहा है ए अपनी आय का 85%, ए अपनी आय का 80%, बी अपनी आय का 85%, और सी अपनी आय का 75% खर्च करता है, और उनके बचत का जो अनुपात है 5:6:9 है। जो उनके सेविंग का रेशियो है कितना है भाई, 5:6:9। मतलब ए बी और सी तीन लोग हैं जो उनके बचत का अनुपात 5:6:9 है। अगर ए 5 रुपया बचाएगा तो बी 6 रुपया बचाएगा, तो सी कितना बचाएगा, 9 रुपया बचाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब मान लो भाई ए अपनी आय का जो एक्सपेंडिचर का जो इनका परसेंटेज है कितना भाई, 80%, 85% और कितना भाई, 75%। 80, 85 और 75% है। ए अपनी आय का 80%, बी अपनी आय का 85% और सी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अच्छा, अगर मान लो इनका इनकम जो है ए बी और सी रुपया है, ए बी और सी रुपया मान लो इनका इनकम है, तो इनका खर्चा कितना भाई, 80%, 85%, 75%। तो बचाएंगे कितने भाई, ए अपनी आय का कितना बचाएगा भाई, 20% बचाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 5 है। क्लियर है कि नहीं ये बात भाई। तो यहां से कट जाएगा 5, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 25 हो जाएगी। ऐसे ही यहां से जो बी होगा अपनी आय का 85% खर्च करेगा, बचाएगा कितना भाई, 15%, और इसकी वैल्यू 6 दिया है तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से 20 कटा, और 5 से 3 कटा, 3 से 2 कटा, बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 40 हो गई। ऐसे ही सी अपनी आय का 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई यहां से। क्लियर है कि नहीं बात, 25 से कटा 9, 4, और सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 36। यहां से ए बी और सी के इनकम का रेशियो निकल गया, ए बी और सी के इनकम का रेशियो 25:40:36 निकल गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अच्छा, ए बी और सी का रेशियो निकल गया, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कमा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का इनकम टोटल कितना था भाई, 6060 रुपए था। तो यहां से जोड़ लो तीनों का कितना यूनिट हो जाएगा, 40 20 60 30 70 70 10 80 81 40 70 20 90 90 और 101 हो जाएगा। 101 की वैल्यू 6060 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि भाई 101 से 606 कटेगा 6 बार में, और 01 लग जाएगा। एक की वैल्यू 60 हो गई, तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें ए बी और सी का इनकम निकालना है। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा भाई, 25 into 60 कितना, 1500। यहां से 40 into 60 मतलब 2400। यहां से एक 36 into 60 मतलब 6 18 18 और 3 21, 2160। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई क्वेश्चन। तो चीजें समझनी है आपको, ऐसे ही चीजें बड़ी आसान बन जाएंगी, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।